हेलो व्यूअर, वेलकम टू आकाश मकबूल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्मार्ट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के फी मॉड्यूल में 3 प्रिंट एडन के बारे में बताऊंगा कि आप कैसे इसमें 3 प्रिंट को सेटअप कर सकते हैं। अभी इसमें आपको 2 प्रिंट का ऑप्शन मौजूद है, ऑफिस कॉपी और इसके अलावा यहाँ पर स्कूल कॉपी, लेकिन ये 2 पेजेस पे आ रही है। आप चाहते हैं कि ये 1 पेज पर आ जाए और 3 प्रिंट हो, 3 प्रिंट 1 पेज पर आ जाए, तो उसके लिए सबसे पहले आपने ये एप्लीकेशन के नाम से एक zip फाइल अपलोड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इस zip फाइल को यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास प्रिंट सिलेक्टेड। अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये फाइल ऑलरेडी मौजूद होंगी लेकिन ये इसको रिप्लेस कर लेगी। ठीक है, जो ओरिजिनल फाइल है। उसके बाद हम पेज को रीलोड कर लेते हैं। ठीक है, पेज को रीलोड करने के बाद आपको यहाँ पर 3 प्रिंट सिलेक्टेड का ऑप्शन मिलेगा। पहले 2 बटन थे, अब यहाँ पर आपको 3 बटन मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इन 2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और प्रिंट सिलेक्टेड पे कर लेता हूँ, तो आप देखें यहाँ पर आपको 2 प्रिंट मिलेंगे, ये जो ऑलरेडी इसमें मौजूद है। ठीक है, 2 प्रिंट का ऑप्शन, लेकिन आप जब 3 प्रिंट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको इसमें 3 प्रिंट मिलेंगे, वो भी 1 पेज पर। तो प्रीव्यू लोड हो रहा है। ठीक है, ये देखें आपको, आप अपनी जो पेज है उसकी सेटिंग लैंडस्केप पे कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर आपके स्कूल का नाम आ जाएगा, स्कूल का नंबर, ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट का नेम, बाकी इन्फॉर्मेशन उसकी फी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर नीचे टोटल आ जाएगा, अकाउंटेंट सिग्नेचर, टीचर सिग्नेचर, और यहाँ पर आप बैंक का नेम और अकाउंट नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप इसको प्रिंट करना चाहते तो प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं PDF में सेव करके आपको इसका जो प्रीव्यू है वो दिखा देता हूँ 3 प्रिंट का। ठीक है, ये हमने PDF में सेव कर लिया है, तो अभी मैं यहाँ पर इसको PDF रीडर में अभी इसको मैं ओपन करता हूँ। तो इसमें आप इस तरह 3 प्रिंट चेक का ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लोकल होस्ट पे भी आपने बस उसी एप्लीकेशन की फोल्डर को फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो यहाँ पर लोकल होस्ट में भी आपको 3 प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्कूल का नाम, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, क्लास, एडमिशन नंबर, मंथ, ड्यू डेट, इस तरह फिर पार्टिकल जितने भी हैं वो आप जो सिलेक्ट किए होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अकाउंटेंट का सिग्नेचर, कैशियर का सिग्नेचर आ जाएगा। ठीक है, अभी भी इसमें नीचे काफ़ी जगह बची हुई है, आप इसमें यहाँ पर स्टूडेंट की पिक्चर भी लगा सकते हैं, इसके अलावा बाकी डिटेल या आप एक से ज़्यादा जो फी है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 3 प्रिंट पे सिलेक्ट करेंगे तो ये सारे जो आपको इसके प्रिंट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्रीव्यू लोड हो रहा है। ठीक है, अभी देखें तमाम फी और यहाँ पर उसका टोटल आ जाएगा। ठीक है, टोटल में आपको शो हो रही है। ठीक है, इस तरह फी ग्रुप पर भी सेलेक्ट करके 3 प्रिंट सिलेक्टेड पे क्लिक करेंगे तो आपको इसके जो प्रिंट प्रीव्यू है वो शो होगा। ठीक है, शो होगा, तो इस तरह आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा सेव एज PDF कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको कोई भी नाम दे देता हूँ। अब मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ अपने PDF फाइल में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमने इसके मजीद जो 6 फी के मॉड्यूल एड किए। ठीक है, फी तो यहाँ पर हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई। ठीक है, और यहाँ पर अकाउंट, तो इस तरह आप 3 प्रिंट सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर टॉप पर अपने जो बैंक का लोगो या स्कूल का लोगो लगाना चाहते हैं तो वो भी इसमें आप फिर लगा सकेंगे।